एक तरफ प्रदेश भर में बच्चों की सुरक्षा को लेकर स्कूल चलो अभियान चलाया जा रहा है और उन्हें जागरूक किया जा रहा है, वहीं इटावा में इस अभियान के बाद बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ किया जा रहा है। एक लोडर में भूसे की तरह भरे ये बच्चे प्रशासन के कार्यक्रम में शामिल होने आए थे, लेकिन कार्यक्रम खत्म होने के बाद इन्हें जिम्मेदार लोगों ने एक लोडर में भर दिया और लोडर के ड्राइवर को बच्चों को घर छोड़ने के लिए कह दिया। लेकिन जब मीडिया की नज़र इस पर पड़ी तब बच्चों को उतारा गया और जिला प्रशासन को सूचित किया गया। स्कूल चलो अभियान के रैली का शुभारंभ किया गया था, उसी के दौरान जो बच्चे स्कूलों से आए हुए थे रैली में, उन बच्चों को रैली के बाद घर पे छोड़ने के लिए व्यवस्था की गई थी। पर देखा गया था एक लोडर में 70-80 बच्चे इस तरीके भीषण गर्मी में जा रहे हैं। क्या कहेंगे इस पे आप? नहीं, अब ये बात आप मेरे संज्ञान में अभी ला रहे हैं और इसकी जांच कराता हूं, अगर ऐसा है तो ये गलत है और संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बच्चों को सरकारी रैली में लाने के लिए कोई इंतजाम नहीं था, लेकिन बीएसए को खुश करने के लिए लोहन्ना गांव के टीचर ने बच्चों को भूसे की तरह एक गाड़ी में भर दिया। वहीं इस मामले पर टीचर ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। प्रशासन ऐसे हादसों को रोकने के लिए कई अभियान चलाता है, लेकिन कुछ लोग इसी अभियान के पोल खोलते नजर आते हैं। इटावा से अरविंद की रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।